और ये ला अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक ही मुशतमिल नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी प्रैक्टिस की जा रही है पाकिस्तान में भी इम्प्लॉई को कम्पनसेट किया जाता है कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वहाँ पर कंज्यूमर के राइट्स हैं इंप्लाई के रिलेटेड लेबर लॉज हैं उनकी इम्प्लॉ की सैलरी पैकेज को डिटर्मिन किया जाता है और उस स्पेसिफ़िक सैलरी पैकेज से कम के ऊपर इंप्लाई को जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल्स हैं सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स हैं हैंम्प्लाई के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं तो यहां पे अगर इस चीज को देखा जाए तो स्पेसिफिकली ये स्टूडेंट्स ये बात इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन के बगैर आप अपने एम्प्लॉय को कम्पनसेट नहीं कर सकते मसलन आप एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते कि देर आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आप एम्प्लॉय को ये सिर्फ नहीं कह सकते कि वेल डन एक्सीलेंट यू आर डूइंग गुड बट वी विल नॉट पे यू समथिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल बेनिफिट इस तरह आप एम्प्लॉय को कंपनसेट नहीं कर सकते यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके लास्ट पार्ट में स्लाइड के जो मैंने लिखा है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ एवर फॉर पर्पस ऑफ कंपेरिजन लॉस ऑफ अ हैंड इन पेनिसवेनिया रिजल्टेड इन एन अवार्ड ऑफ वन लैख सिक्सटीन हंड्रेड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव ये फिगर हम पे कह रहे हैं पेनिसवेनिया स्टेट में उस बंदे को जिसकी एक फिंगर लॉस हो जाती है लेकिन सेम इंजरी इन क्लोराडा ब्रॉट ओनली एट थाउजेंड से अब इसका मतलब यह हल्के से नहीं है कि एक जगह परम्पनसेशन है तो दूसरी जगह पर ज्यादा कम्पनसेशन है इट वेरीज फ्राम स्टेट टू स्टेट इट वेरीज फ्राम स्टेट टू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेटर जो गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए हैं उनकी मदद से ही इस किस्म के डिसीजन लिए जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलेशन ये एक अगला स्टेप है जब आपको इंश्योर हो गया कि आपका जो एम्प्लाई है उसको कोई लॉस हो गया उसको कम्पनसेट करना है कैसे करना है उसको रिहेबिलिट रिहेबिलिट्रेट उसको किस तरह आपने आगे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है कैसे दोबारा उसको ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि आल वर्कर्स कंपनसेशन लॉस प्रोवाइड फॉर पेमेंट्स ऑफ द मेडिकल कास्ट एसोसिएटेड विद इंजरीज़ जो भी इंजरी इम्प्लाई की होगी उसके साथ जो भी मेडिकल कास्ट होगी वो तमाम कास्ट ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी मोस्ट स्टेट्स प्रोवाइड फुल कवरेज बाद स्टेट्स में मुकम्मल कवरेज है बाद स्टेट्स में पार्शल कवरेज है बाद स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर मिडियाकर एवरेज कवरेज है लेकिन सब का मकसद क्या है

स्टेट्स के ये रूल्स हैं कि आप उसको आफ्टर द इंजरी सिक्स मंथ तक कंपनसेट कर सकते हैं अगर आप इम्प्लाई को कंपनसेट नहीं करेंगे तो किस तरह से वो इम्प्लाई अपनी बाकी की जो लाइफ है उसको स्पेंड करेगा इस चीज को देखते हुए इम्प्लाई कंपनसेशन लाज बनाए गए हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलेशन को अगर मजीद देखा जाए तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के हवाले से देर आर टू टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिकल एंड वोकेशनल बोथ आर अवेलेबल टू वर्कर्स हुज एबिलिटी टू मेक अ लिविंग इनहिबिटेड बाय फिजिकल और मेंटल वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स इफ एम्प्लॉय इज नॉट फीलिंग गुड कुछ स्ट्रेस है उसको तो आप इंप्लाई को फिजिकल ट्रीटमेंट से बेटर है वोकेशनल ट्रीटमेंट दें कि एम्प्लॉय को एक वीक के लिए ऑफ दें उसको कहें कि ऑर्गेनाइजेशन विल पे अपने जो इंप्लाई के जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ कहीं पे वो विजिट पे जाए एक वीक के बाद दोबारा से फ्रेश होने के बाद ही विल बिकम द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो अपना काम दोबारा से कंटिन्यू करे लेकिन अगर कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में वोकेशनल पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद मतलब से आप इंप्लाई को दोबारा से रिहेबिलिटेशन उसकी कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज वर्क प्लेस पे इंजरी हुई क्यों उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया आपने एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो जाता है तो इंजर्ड क्यों हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने एस होने चाहिए कि वो उस किस्म की दोबारा एम्प्लॉय को इंजरी ना हो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम ही इंजरी नहीं होनी चाहिए दूसरा पॉइंट ये है कि इफ सम इज इंजर्ड नेक्स्ट टाइम दिस सार्ट ऑफ इंजरी मे नॉट बी अकर्ड तो इसको हम कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट अब यहां पे जो मेडिकल मैनेजमेंट है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल वर्कर्स कंपनसेशन केसेस इन नाइनटीज नाइनटी लेड टू दी कंसेप्ट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज इंप्लाइज के कंपनसेशन को मैनेज नहीं किया गया इम्प्लाई के कंपनसेशन प्लान नहीं दिया गया इम्प्लाई इंजर्ड हो गया लेकिन उसको कंपनसेट नहीं किया गया तो वहां पे ये कंसेप्ट 1990 के अंदर 1990 में इवाल्व हुआ इसको हम मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं सू बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉज कंपनसेशन क्लेम्स मोर देन थर्टी स्टेट्स है

एम्प्लायर चाहता है कि उसकी कास्ट कम से कम हो फ्रॉड एंड अब्यूज उसमें यूज नहीं होना चाहिए और लास्ट पॉइंट है कि इम्प्रूव्ड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर लें और इम्प्लॉ को मालूम हो कि मेरी किसी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा गया ऑटोमेटिकली एम्प्लॉ का मोरल हाई होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा ऑटोमेटिकली एवरी थिंग विल बी बेटर इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ही ये तमाम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के आगे मूव करते हैं और मैनेजमेंट की मदद से ये तमाम चीज़ें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग लीडिंग कंट्रोलिंग के जरिए होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती हैं इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस मैनेजमेंट वंस अ वर्कर्स कम्पनसेशन क्लेम इज फाइल्ड एंड अप्रोप्रिएट सेटलमेंट मस्ट बी रीच ये दो पॉइंट हैं ंस अ वर्कर्स कम्पनसेशन क्लेम इज फाइल्ड जब इम्प्लाई ने अपना कम्पनसेशन क्लेम फाइल कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में एंड अप्रोप्रिएट सेटलमेंट मस्ट बी रीच्ड कि इस चीज़ को भी देखा गया कि उस चीज को मैनेज कैसे करना है नंबर वन डायरेक्ट सेटलमेंट होगी एग्रीमेंट सेटलमेंट होगी या पब्लिक हियरिंग होगी अब यहाँ पे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि इन तीनों में से अप्रोच कौन से यूज की जाएगी मैंने आपको पहले बताया था फिर बता देता हूँ आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर बताएगा कि किस चीज़ को हम लोगों ने सेटल डाउन करना है द फर्स्ट टू आर यूज इन अनकंटेस्टेड केसेस द थर्ड इन कंटेस्टेड केसेस ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रखता है अगर पहले दो केसेज हैं डायरेक्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट सेटलमेंट तो इस केस में हमने अनकंटेस्टेड केसेज को देखना है और पब्लिक हियरिंग में हमने ये देखना है कंटेस्टेड केसेज में कि अवाम के सामने केस रखा जाए ताकि इस चीज को अनशोल किया जाए कि दोबारा से ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में पैदा ना हो कास्ट एलोकेशन जो कंपनसेट करना है एम्प्लॉ को उसके लिए कास्ट कितनी एलोकेट करनी है वैसे कास्ट का मानी मटेरियल लेबर फैक्ट्री हेड इनको एड करके कास्ट निकलती है लेकिन जब जेनेरिक टर्म में लफ्ज कास्ट यूज होता है तो इसका मतलब है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू एलोकेट इसको हम कहते हैं कास्ट एलोकेशन कास्ट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द कास्ट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन अ क्रास एन इंडस्ट्री सो दैट नो इंडिविजुअल कंपनी इज ओवरली बर्डन फॉरन स्टेट्स के अंदर फॉरन कंट्रीज में इस चीज़ को देखा गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सीमट इंडस्ट्री है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मुकम्मल एक इंडस्ट्री को कास्ट दे दी जाती है वन बिलियन डॉलर अब उस इंडस्ट्री में जो बंदा भी किसी किस्म की इंजरी का शिकार होता है उस वन बिलियन डॉलर में से कुछ उसको कंपनसेट कर दिया जाता है इस अमल को डी ए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कास्ट एलोकेशन